मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस समय अफरा तफरी और हड़कंप मच गया जब राम मंदिर के लिए बैठक में जाने वालों पर लोगों ने पत्थर बरसा दिए। मामला बढ़ता देख कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने खुद मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि बेगमबाग इलाके में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यहां आरएसएस कार्यकर्ताओं, एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस पर पत्थर फेंके गए। यहां तक कि छतों से महिलाओं और बच्चों तक ने पत्थर मारे। घटना में 14 लोग घायल हुए हैं। इलाके में मौजूद गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बताते चले कि आरएसएस और एबीवीपी के 8 से 9 संगठनों की महाकाल मंदिर के पास माधव सेवा न्यास में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठा करने और जन जागरूकता के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। इसी बैठक में शामिल होने के लिए रैली के रूप में कार्यकर्ता बाइक से महाकाल थाना क्षेत्र में माधव सेवा न्यास आ रहे थे। बेगमबाग इलाके में सड़क पर भीड़ होने के कारण रैली में शामिल बाइक सवार की किसी व्यक्ति से टक्कर हो गई। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। व्यक्ति ने बाइक सवार के साथ हाथापाई भी की। इसे देखते हुए दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए। अचानक उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बता दें कि सूचना पर कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला समेत भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इधर रात 11 बजे पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली बजरंग दल कार्यकर्ता नवदीप रघुवंशी की शिकायत पर 2 लोगों को नामजद करते हुए 40 अज्ञात के खिलाफ मारपीट व अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। दूसरी एफआईआर भारत माता मंदिर की ओर से चैतन्य आरुण्य ने दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की युवा रैली पर पथराव से मना किया तो समूह बनाकर पथराव किया और भारत माता मंदिर का बोर्ड क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद ये लोग आगे बढ़कर माधव सेवा न्यास के पास पहुंच गए। यहां भी लोगों ने छतों से पथराव किया। यहां आपको बता दें कि पुलिस के पहुंचने के बाद बैठक शुरू हुई। बैठक अलग अलग संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठा को लेकर रणनीति बनाई गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.